यात्रा का समय था। पति पत्नी दोनों ही इसका आनंद लेना चाहते थे। दोनों बड़े ही धार्मिक थे, पर वो जिन धामों की यात्रा करना चाहते थे वे सब उनके घर से हजारों किलोमीटर दूर थी। इसलिए पति ने कहा, क्यों ना हम ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लें और निर्धारित समय पर तीर्थ के लिए निकल पड़े। दोनों ने ऐसा ही किया। अगली सुबह उनकी ट्रेन थी, लेकिन किसी पड़ोसी ने आकर उन्हें सूचना दी कि क्या आपको खबर मिली, आज सुबह की ट्रेन से जो व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहे थे उस ट्रेन का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही दोनों पति पत्नी घबरा गए और दोनों ने एक दूसरे से कहा, हम ट्रेन से जाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। पत्नी ने सोचा कि क्यों ना हम बस की रिजर्वेशन करवा लें, और दोनों एक बार फिर अपनी यात्रा की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जब दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे तब उन्होंने टीवी में खबर देखी कि एक बस ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा था और पुल से गिरा, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। वो दोनों सहम से गए और उन्होंने सामान पैक करना बंद कर दिया। और इस बार फिर दोनों ने कहा, तीर्थ यात्रा के लिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आखिरी में उन्होंने पैदल ही यात्रा करने की सोची। दोनों घर से पैदल निकल गए। जैसे ही वे कुछ दूर चले थे, रास्ते में एक भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रक ने दो पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया था। उन दोनों से ये सब देखा नहीं गया और दोनों ने कहा, भगवान हम यात्रा के लिए ही इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, कृपया हमें माफ करें। और दोनों फिर से अपने घर में बैठ गए। अगली सुबह अखबार वाले ने दरवाजे पे दस्तक दी। उन्होंने उससे अखबार लिया और जब पति ने अखबार खोला तो पहले पेज पर लिखा था, घर की छत गिरने से घर में मौजूद दो लोगों की मौत। अब दोनों करे भी तो क्या करे। अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। वो दोनों ही अपने पिछले कार्य के लिए शर्मिंदा थे, क्योंकि अब वो घर छोड़कर तो जा नहीं सकते थे। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है और हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हमें लगता है कि सामने वाले के साथ कुछ बुरा हुआ है तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।